हमारा नॉर्थ ईस्ट भारत की अष्टलक्ष्मी। नॉर्थ ईस्ट की समृद्ध संस्कृति, प्राकृतिक सुंदरता, संसाधन और युवा प्रतिभा भारत की अमूल्य धरोहर हैं। नॉर्थ ईस्ट के लोगों के सामर्थ्य और इस क्षेत्र के तेज विकास से देश की तरक्की को लगातार बल मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गत 9 वर्षों में पूर्वोत्तर का चहुमुखी विकास हुआ है। कनेक्टिविटी के क्षेत्र में नॉर्थ ईस्ट का कायाकल्प इस क्षेत्र की प्रगति के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। 9 सालों में नॉर्थ ईस्ट में रेल का भूतपूर्व विस्तार हुआ है। पिछले 9 वर्षों में इस क्षेत्र में रेल के बजट में 260% से भी अधिक की वृद्धि की गई है। आजादी के बाद लंबे समय तक उपेक्षित इलाकों में भी आज रेल सेवा पहुंची है और लोगों का जीवन सुगम बना रही है। असम सहित पूरे पूर्वोत्तर में रेल कनेक्टिविटी सहित सर्वस्पर्शी विकास पर विशेष फोकस है। दशकों तक हमारे देश में कनेक्टिविटी को बहुत सीमित दायरे में देखा गया। ये असम और नॉर्थ ईस्ट के आप लोग भलीभांति जानते हैं। पिछले 9 वर्षों में हमने कनेक्टिविटी को लेकर उस पुरानी अप्रोच को ही बदल दिया है। आज जिस कनेक्टिविटी पर देश काम कर रहा है उसके 4 आयाम है। फिजिकल कनेक्टिविटी, डिजिटल कनेक्टिविटी, सोशल कनेक्टिविटी और कल्चरल कनेक्टिविटी। असम तथा पूर्वोत्तर के विकास के लिए इसी प्रतिबद्धता के साथ आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस क्षेत्र को पहली वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात दे रहे हैं और साथ ही कई रेल परियोजनाओं को देश को समर्पित कर रहे हैं। भारत की आत्मनिर्भरता का प्रतीक सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत एक्सप्रेस गुवाहाटी और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच 411 किलोमीटर की दूरी 5.5 घंटे में पूरा कर देगी, यानी औसत यात्रा समय में 1.5 घंटे की कमी आएगी। रोटेटिंग सीट, टच फ्री बायो वैक्यूम शौचालय, सीसीटीवी कैमरे, स्वचालित दरवाजे, दिव्यांगजन के अनुकूल शौचालय और कवच तकनीक जैसी आधुनिक सुविधाओं से लैस वंदे भारत एक्सप्रेस यहां के यात्रियों को वर्ल्ड क्लास रेल यात्रा का अनुभव देगी। वंदे भारत से पूर्वोत्तर के विकास में तेजी आएगी। काजीरंगा, पोबितोरा, मानस, हाफलंग, शिलांग आदि में पर्यटकों की यात्रा सहज होगी, जिससे पर्यटन और सहायक क्षेत्रों के साथ साथ स्थानीय लोगों को आर्थिक लाभ होगा। आज गुवाहाटी और चापरमुख के बीच 238 ट्रैक किलोमीटर और असम के न्यू बंगाईगांव दुधनई होते हुए मेघालय के मेंदी पठार के बीच 199 ट्रैक किलोमीटर खंडों के बिजलीकरण को राष्ट्र को समर्पित किया जा रहा है। भारतीय रेल 100% बिजलीकरण के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है और इस दिशा में नॉर्थ ईस्ट में रेल बिजलीकरण एक अहम कदम है। इससे रेल परिचालन की लागत में काफी कमी आएगी। लामडिंग में एक अत्याधुनिक मशीनरी से लैस डेमू एवं मेमू शेड का निर्माण भी किया गया है। इस नव निर्मित शेड से पहली डेमू रैक आज मरम्मत के बाद यात्री सेवा हेतु निकाली जा रही है। वंदे भारत सहित इन सभी रेल परियोजनाओं से नॉर्थ ईस्ट में रेल कनेक्टिविटी और रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत होगा और नॉर्थ ईस्ट भारत के विकास का गेटवे बनकर उभरेगा।